नमस्कार, न्यूज लाइन आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी खबर सारठ से आ रही है। बता दें आपको, सारठ में राम कथा चल रहा था और इसी दौरान भयंकर तूफान के कारण राम कथा का पंडाल ध्वस्त हो गया है और पंडाल ध्वस्त होने के कारण 27 लोग काफी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जबकि इसमें किसी के भी हताहत होने या किसी के भी मौत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल उन घायलों को उठा इलाज अभी चल रहा है। बता दें कि उज्जवल सांडिल्य जी महाराज के द्वारा राम कथा का प्रवचन किया जा रहा था, लेकिन विगत दो दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। वहीं जब शनिवार को आज मूसलाधार बारिश हुई और इससे पहले तूफान आया, तूफान ने पंडाल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उसके चपेट में 27 लोग आ गए हैं, जिनमें 27 लोग काफी गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनमें कई महिलाएं और पुरुष भी हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है और अधिक अपडेट्स आने के बाद फिर आपसे मिलेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे खबरों पर, दीजिए इजाजत। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। रामनवमी के बाद अनुमंडल क्षेत्र में फैले धार्मिक उन्माद के बाद जिला पुलिस कप्तान ए विजयलक्ष्मी पहुंची मधुपुर। घटनास्थल का निरीक्षण कर वरीय पुलिस अधिकारी को दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। गंगा जमुनी संस्कृति के लिए आसपास के राज्यों में विख्यात मधुपुर का सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। नफरत फैलाने के प्रयास से क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं। आखिर इस तरह की घटना कौन कर रहा है? यह जनता और प्रशासन के समक्ष चुनौती बनी है। घटना को लेकर चौक चौराहे पर और चाय पान की दुकानों पर चर्चाएं हो रही हैं कि मधुपुर का अमन चैन और सद्भावना पर बुरी नज़र रखने वाले की पहचान कर प्रशासन शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दें। इधर मधुपुर व करौं क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा धार्मिक स्थलों की निगरानी के लिए 10 सदस्यीय कमेटी बनाया जा रहा है, जो शनिवार से ही प्रभावी होगा। असामाजिक तत्व या संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचना देने को कहा जा रहा है। बता दें, 12 बहादुरपुर चांदमारी टेकरा मस्जिद के बाद भितिया नावाड़ी गांव स्थित ईदगाह की दीवार पर रंग फेंक कर माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। घटना की सूचना मिलते ही शनिवार को काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, SDO कुंदन कुमार, SDPO अशोक कुमार सिंह, इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह, BDO करों अखिलेश कुमार, GMM नेता जियाउल हक उर्फ टारजन समेत कई गणमान्य लोग स्थल पर पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया गया, दीवार को साफ कराया गया। घटना को लेकर प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस गश्ती तेज कर दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बलों को धार्मिक स्थलों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। वहीं इस संबंध में पुलिस कप्तान ए विजयलक्ष्मी का कहना है कि क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में रंग फेंक कर माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। इसके लिए पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। मधुपुर आने का पर्पस तो कल दो दिन से रामनवमी के बाद से जो अभी ये वर्शिपिंग प्लेसेस में कुछ टेंशन क्रिएट करने का सामाजिक तत्वों द्वारा जो कोशिश किया गया उसी को सुपरवाइज करने के लिए आया था और कुछ इन्वेस्टिगेशन में अभी पता चला है किनके द्वारा किया गया था, तो उसके संबंध में आगेकर कार्रवाई करने के दिन लोगों को निर्देश दिया गया था। अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। सुलह समझौता के आधार पर 209 विभिन्न मामलों का हुआ निष्पादन। अनुमंडलीय न्यायालय व रेलवे न्यायालय में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 209 मामलों का निष्पादन किया गया। SDGM आलोक कुमार, न्यायिक पदाधिकारी अभिषेक कुमार, गौतम गोविंदा, नरेंद्र कुमार, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी नीरज कुमार, मजिस्ट्रेट राजेंद्र गुप्ता, सहायक राजीव कुमार सौरभ, अनुमंडल अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष डोमन प्रसाद यादव, सचिव श्याम सुंदर भैया, बेंच में शामिल अधिवक्ता दीपक कुमार, विनय कुमार सिन्हा, विनोद कुमार सिन्हा, प्रणय कुमार सिन्हा, राजकुमार भगत, रूपेश नारायण सिन्हा, कौशल किशोर दुबे न्यायालय कर्मी मौजूद थे। लोक अदालत में सर्वाधिक रेलवे न्यायालय में 170, विभिन्न बैंकों में लंबित 24 व 12 आपराधिक व 6 मामलों का द्विपक्षीय समझौते के आधार पर ऑन स्पॉट निष्पादन किया गया। इन मामलों में 2,74,800 रुपए की वसूली की गई। मधुपुर से कटहलों का भारी मात्रा में होता है निर्यात। बिहार, बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में सस्ते दरों पर भेजे जाते हैं कटहल। गर्मी के मौसम में लाखों रुपए का होता है कटहल का व्यवसाय। कटहल के पेड़ से तो आप परिचित होंगे ही, लेकिन इसके फल से भी आप अपरिचित नहीं होंगे।
क्योंकि जितना इसका फल पकने के बाद खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही कच्चे में इसका प्रयोग होता है। कटहल की मसालेदार सब्जी किसी के भी मुंह में पानी ला सकती है। ये दुनिया के सबसे बड़े फलों में से एक है। कटहल का इस्तेमाल न केवल सब्जी बनाने में बल्कि अचार, पकौड़े और कोफ्ता बनाने में भी किया जाता है। पका कटहल भी काफ़ी पसंद किया जाता है। कटहल में ढेरों ऐसे तत्व हैं जो शरीर की कई आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनमें विटामिन ए, सी व थायमिन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन और जिंक प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर फाइबर भी होते हैं जो पाचन क्रिया के लिए काफ़ी लाभदायक हैं। अच्छी बात तो ये है कि इसमें कैलोरी नहीं होती है। ऐसे में ये हार्ट से जुड़ी बीमारियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इन्हीं गुणों के कारण कटहल की मांग काफ़ी अधिक है और मौसम आते ही मधुपुर में कटहल का व्यवसाय जोर पकड़ने लगता है। प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए के कटहल का व्यवसाय मधुपुर से होता है। मधुपुर से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों के बड़े बड़े शहरों में कटहल भेजे जाते हैं। खास बात तो यह है कि बड़े शहरों के 5 सितारा होटलों में इसकी मांग अधिक है, क्योंकि वहाँ कटहल के कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। मधुपुर में इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोग हैं जिन्हें रोजगार भी मिला है। व्यापारियों का कहना है कि आसपास के गाँव से ये सस्ते दरों पर 6 से 8 रुपए के बीच प्रति कटहल खरीदते हैं और 2 रुपए मुनाफा रखकर बाहर के व्यापारियों को बेच देते हैं। वहीं गांव से आकर कटहल बेचने वाले किसानों का कहना है कि उन्हें कटहल का अपेक्षाकृत मूल्य नहीं मिलता है। फल बर्बाद न हो इसलिए वे औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। न्यूज़ लाइन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? अच्छा, आप यहाँ कटहल लेकर आए हैं? कहाँ से आए हैं? लहरजोरी से आए हैं। अच्छा, यहाँ जो कटहल बेच रहे हैं क्या आपको उसका उचित दाम मिलता है? ठीक है, मिलता है। कैसे कैसे किलो यहाँ बेच रहे हैं आप? 8 रुपया देते हैं। आप लोग यहाँ 8 रुपया बेचते हैं? हाँ, और बड़ा बड़ा 7 रुपया। अच्छा। मधुपुर का अमृत फल कहा जाने वाला फल बेल शहरवासियों को नहीं है नसीब। हजारों बोरा बेल सस्ते कीमतों पर किया जाता है निर्यात मधुपुर समेत अन्य बड़े शहरों में। मधुपुर का अमृत फल कहा जाने वाला बेल का महत्व गर्मी के मौसम में काफ़ी बढ़ जाता है। वैसे तो स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर भी बेल की शरबत पीने का सलाह देते हैं। मधुपुर के लोगों के लिए बेल उतना ही फायदेमंद और ज़रूरी है जितना कि बाहर के लोगों के लिए। लेकिन मधुपुर के लोगों की खुद किस्मती कहिए या बदकिस्मती कि मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र में काफ़ी संख्या में बेल के पेड़ हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को बेल का फल नसीब नहीं है। क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ से प्रतिवर्ष गर्मी की शुरुआत महीने मार्च अप्रैल में ही व्यापारी पेड़ों को खरीद लेते हैं और बेल तोड़कर कलकत्ता सहित कई बड़े शहरों में निर्यात कर देते हैं। चांदमारी मोहल्ला निवासी मोहम्मद असलम का कहना है कि वे मधुपुर, पालोजोरी, सारठ, करो, चित्रा समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में लगभग 20,000 पेड़ों को खरीदते हैं। 2,000 रुपये प्रति पेड़ की खरीदारी होती है, जिसमें से 8-10 बोरा बेल टूटता है जो कलकत्ता में प्रति 1,000 बोरे की भाव से बिकता है। व्यापारियों का कहना है कि एक पेड़ से उन्हें लगभग सभी खर्चों को बांधकर 1,000 रुपया बचता है। कलकत्ता जैसे शहरों में एक बेल की कीमत 25 से 30 रुपये है, जबकि मधुपुर जैसे छोटे शहर में मोल भाव के। नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुनील है। क्या नाम है? सुनील दास। कहाँ घर हुआ? चांदवारी मोहल्ला। अच्छा, ये जो है बेल तुम लोग अभी तोड़ रहे हो, तो ये क्या कैसे यहाँ खरीदते हो? गाछ खरीदते हो फिर बेच? ले लिए। कितना में लेते हो? एक गाछ है 2,000 का लिए हुए। अच्छा, कम ये सब तो ले तोड़ लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग ले जाते हैं कलकत्ता 1200। अच्छा, तो वहाँ जा करके फिर कैसे बेचते हो? एक हाँ, वहाँ पर ये बोरा बंदी देते हैं आड़त में। कैसे बोरा? कैसे बोरा? जैसा मैंने रेट मैंने बाजार खुला आड़त में दे दिए, अभी 1,000 बिक गया, 800 बिक गया। 1,000 रुपया बोरा? 1,000 बोरा। कम से कम एक गाछ से कितना बोरा हो जाता है? एक गाछ में 6 बोरा 7 बोरा, किसी में किसी में 2 बोरा। यानी एक गाछ में तुम लोग कमाई 5 से 10,000 रुपया है? नहीं नहीं, वहाँ मैंने लेबर पर बात करके 500 रुपये मात्र। मधुपुर से लगभग कितना तुम लोग? नहीं है तो 20,000 गाछ लेते हैं। बालूजी से लेके आप 40 किलोमीटर दूर तक में जितना गाछ आता है सब गाछ लेते हैं। 20,000 गाछ? 20,000। अरे
जहाँ तक इनमें से सब व्यापारी मिला हुआ है, व्यापारी एगो हम ही नहीं और व्यापारी है मतलब सब आता है एक ही जगह हम लोग। सारा बेल यहाँ से कलकत्ता है, यहाँ बेल कलकत्ता चला जाता है और कहीं नहीं जाता है, सब कलकत्ता। यहाँ यहाँ मधुपुर के मार्केट में बेचते हैं, यहाँ पड़ी मार्केट में दाम ले लेता भैया। अच्छा है ना, यहाँ पड़ी बेल भी किया तो मांगे 5 रुपया 3 रुपया मांगे, उसमें मोलाई बहुत है। अच्छा, और वहाँ एक दिन में एक गाड़ी बिकता है। वहाँ कैसे एक बेल कैसे बिकता है? वहाँ पड़ी मात्र 20 रुपया 25 रुपया दाम है। जैसे वहाँ सत्तू का शरबत है तो वहाँ बेल का ही शरबत बनता है, बेल का शरबत बना के पीते हैं। ठीक। शनिवार को भी मधुपुर में हुई मूसलाधार बारिश, बारिश होने से तापमान आया निचले स्तर पर। 2 दिनों से हुई बारिश के कारण गर्मी से लोग ले रहे हैं राहत की सांस। शनिवार को भी दोपहर बाद अचानक आए आंधी और हल्की बारिश ने शहर की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। खलासी मोहल्ला मुख्य मार्ग पर साफ सफाई की पोल बारिश ने खोल दिया। अधिकांश मोहल्ले में जल निकासी की समस्या से लोग परेशान दिखे। रामयस रोड स्थित राम मंदिर के पास तो नाली का पानी सड़क पर बहने लगा। सड़ांध वातावरण में राहगीर व श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हुई। हाजी गली मोहल्ला और बनारसी गली में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी रही। पुल पार के पास तो करीब 1 घंटा तक जाम लगा रहा। नाली का पानी पुल के नीचे जमा हो गया। प्लास्टिक से नाला जाम होने के कारण पूरे शहर में ऐसी स्थिति बन गई। नगर परिषद के सफाई कर्मियों ने रेलवे पुल के पास जाम नाला को साफ किया। मधुपुर स्टेशन के समीप 50 वर्षीय अज्ञात महिला का शव रेल पुलिस ने किया बरामद। मधुपुर स्टेशन के समीप 50 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत ट्रेन के चपेट में आने से हो गई है। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। रेल थाना प्रभारी शमशेर अली ने बताया, शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतका की पहचान के लिए प्रयास किया जा रहा है। मधुपुर नौजवान संघर्ष समिति की बैठक रविवार को नगर परिषद सभागार में सुबह 10 बजे आयोजित की गई है। बैठक में सभी वार्डों के प्रभारी का गठन, सदस्यता अभियान एवं वार्ड कमेटी का गठन किया जाएगा। इसकी जानकारी वार्ड पार्षद अल्ताफ हुसैन ने दी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।